बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटरमिनेंट फॉर्म चैप्टर से है। एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपान लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स। सबसे पहले तो हम गिवन लिमिट को लिख लेंगे और इसे लैड कर लेंगे एल के बराबर, ताकि हमें पूरी लिमिट को बार बार ना लिखना पड़े जब हम स्टेप कभी चेंज करें एक्स टेंड्स टू जीरो और बीच में कुछ हमें लिखना पड़े। तो ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपान लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स। तो पहले तो हम इसे फार्म को चेक करते हैं, इसकी कौन सी फार्म बन रही है यहाँ पर। इनडिटर्मिनेट फार्म तो नहीं है कहीं। एक्स बराबर ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो, ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, यहाँ पर भी ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है। वन में से वन माइनस करेंगे ज़ीरो आ गया, यहाँ पर ज़ीरो रखने पर ये ज़ीरो हो गया, लॉग वन बचेगा, लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है। फार्म ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो है, जब ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फार्म होती है तो हम लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाइंग लो हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पर डी एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो वो एल बराबर, यानी ये जो लिमिट है वो बराबर। तो क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर के को और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, जो वेरिएबल एक्स है। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसीशन ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करना होगा मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर। तो ए का करेंगे, ए एक्स का जब करने जाएंगे तो ए इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन हो जाएगा। माइनस का साइन है, इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ई की पावर माइनस ए एक्स का ई की पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर इसका दोबारा से करना होगा यहाँ पर मल्टीपिन में ई के साथ में, ई की पावर ए माइनस ए एक्स का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो माइनस ए इंटू में है कॉन्स्टेंट है बाहर ले देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन बन लिख देंगे। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीशन करेंगे लॉग एक्स, इसे एक्स समझ लीजिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है वन अपान एक्स, यानी वन प्लस यहाँ पर इसको एक्स मान के गया, वन प्लस बी एक्स आ गया इस वन अपान एक्स करके, लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे। वन का डिफ्रेंसीशन करेंगे जीरो आ जाएगा, बी इंटू में है कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन बन दिया। इंटू में कॉन्स्टेंट हो तो बाहर लेके वेरिएबल का डिफ्रेंसीशन करते हैं, और सिर्फ कॉन्स्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंसीशन जीरो के बराबर हो जाता है। अब जो बचा उसे ठीक करके हम लिख लेते हैं, ये माइनस निकल के सिर्फ प्लस कर देंगे, ए को शुरू में लिख देंगे, इस को भी शुरू में लिख देंगे और b का वन में इंटू करके b अपान में ही आ जाएगा। फिर देखते हैं कितना बचेगा, तो l की वैल्यू आ गई है, l इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए हमने शुरू में लिख दिया a इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस a शुरू में लिख दिया e की पावर माइनस का ए एक्स अपान में b अपान में वन प्लस का बी एक्स। अब हम चाहें तो फार्म चेक कर लें, और फार्म जो है वो हम देख रहे हैं कि जीरो पॉइंट ज़ीरो नहीं आ रही, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, वैल्यू वन आ जाएगी, ये भी वैल्यू वन आ जाएगी और ये भी वैल्यू यहाँ पर जो है बी आ जाएगा पूरा ज़ीरो रखने पर। तो कोई इनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं है, लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी एक्स नज़र आए वहाँ पर ज़ीरो रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़ीरो ही हो रहा है, बी अपन वन प्लस जी ज़ीरो हो गया, तो ये बी बचा हुआ है। ई के बाद ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो वन के इक्वल होती है, तो यहाँ पर वन के इक्वल रख दिया हमने, बी अपान वन आ जाएगा तो ए इंटू वन ए के इक्वल आ जाएगा, और ए प्लस ए हो गया अपान में बी, तो टू टाइम्स ए अपान में बी आ गया। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी हमें लिमिट फाइंड करना थी एक्स टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपान लॉग ऑफ वन प्लस बी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है टू ए अपान बी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन।